बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कानूनी टोल हटा दो, कानूनी टोल हटा दो, टोल गैर कानूनी है, गैर कानूनी, आज हमने यहाँ जो टोल प्लाजा जो ठंडी गुई के नाम पे यहाँ लगा हुआ है पडली मोड़ में, आज ये जो इलीगल टोल प्लाजा है जो पिछले इनकी सरकार ने, गडकरी साहब ने खुद कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल प्लाजा है वो इलीगल है, तो फिर इस टोल प्लाजा को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? ये टोल प्लाजा शुरू से जब लगा था ये इलीगल था, करोड़ों रुपया यहाँ से ये इलीगल टोल प्लाजा से लोगों का गया है। आज हमने यहाँ पीसफुल प्रदर्शन किया है कि ये टोल प्लाजा बंद करो, अगर नहीं करोगे तो फिर पंजाब के पैटर्न पे जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया था, हम यहाँ लगातार आंदोलन करेंगे और इस टोल प्लाजा को हम उखाड़ फेंकेंगे। नितिन गडकरी का कहना है कि दूसरा हमारा बात ये डिमांड है कि ये जो नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है इसमें लोगों को जमीनों जो आ रही हैं, दुकानें आ रही हैं, बिजनेस आ रहे हैं, उनको जो है ये एग्रीकल्चर रेट दे रहे हैं, उनको कमर्शियल रेट नहीं दे रहे, हर जगह का अलग रेट रखा हुआ है। हमारी डिमांड है प्रधानमंत्री जी से कि ये नेशनल हाईवे पे नेशनल हाईवे का एक रेट रखा जाए, लखनपुर से लेके श्रीनगर तक नेशनल हाईवे का एक ही रेट रखा जाए। ये जो रेवेन्यू का रेट इन्होंने फिक्स किया है ये गलत है, इसकी तरफ आज हमने ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनसे जागेगी, नहीं जागेगी तो फिर किसान इससे भी बड़ा, दुकानदार इससे भी बड़ा आंदोलन जो है ये करें। सर, केंद्रीय परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी है उन्होंने पार्लियामेंट कहा कि 60, उसी का मैंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा ये टोल प्लाजा इलीगल है, तो फिर इलीगल चीज क्यों चल रही है? जब कहते हैं ये इलीगल है, ये किसके पास पैसा जा रहा है? ये 20 लाख रोज जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है ये किसके पास जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं ये जो नेता जो आप मुंह बंद करके बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों के वोट लेके पावर हासिल की, आज उनको ये लूट रहे हैं। आने वाले समय में लोग इसका जवाब